आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में गुजरात राजस्थान के ब्रिटिश उप उच्चायुक्त श्री स्टीफन फ्लेमिंग से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर राजस्थान में निवेश के अवसरों, आर्थिक विकास की संभावनाओं और उद्योग क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के समावेश पर भी चर्चा की। साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के विषय में भी गहन विचार विमर्श किया गया। वही राजस्थान के सियासी गलियारों में एक तस्वीर इस वक्त खूब वायरल है, जिसमें किरोड़ी लाल मीना और गोविंद सिंह डोटासरा हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद यह मुलाकात गुरुवार शाम राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई, जिसमें नए नए साधु भाई बने दोनों नेताओं के बीच हाल ही के दिनों में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा भी तेज हो गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके मीना को साधु भाई बनने की बधाई भी दी है, जबकि मीना ने भी बधाई स्वीकार करते हुए कहा कि साधु भाई बनना इतना भी आसान नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। तो भाई किरोड़ी जी मीना साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है, और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ, और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी अच्छा वे क्या दिल्ली से जगी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए, और गोविंद डोटासरा भी अच्छा वे है कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। वहीं जोधपुर की सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अब एम्स अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया है। बिश्नोई समाज के लोगों ने एम्स अस्पताल में मोचरी के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया है। बिश्नोई समाज की मांग है कि जब तक पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं करेगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। समाज की ओर से राम निवास ने बताया है कि परिजनों के साथ पूरा समाज यहां एम्स अस्पताल में एकत्र हो रखा है, और पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सहायक कलेक्टर की मौत पर FIR दर्ज की जाए, ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाए। वहीं प्रियंका बिश्नोई मामले को लेकर शुक्रवार की शाम प्रियंका बिश्नोई का अपने गाँव सूरपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ जांच की कमेटी गठित की है, जो शनिवार को जांच रिपोर्ट सौंपने की संभावना बताई जा रही है। उसके बाद बिश्नोई समाज का अगला रुख क्या होगा, या जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल सकेगा। प्रियंका बिश्नोई RS अधिकारी जिन्होंने मामूली तकलीफ होने की वजह से वसुंधरा हॉस्पिटल में आज से 15 दिन पहले जाके बताया था कि मेरे ये तकलीफ है, तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि एक दिन का समय है, वन डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी, और उनको OPD ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला, परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए, और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी, और कहा कि नहीं हम होश में ले आएंगे। उसके बावजूद हमने यहाँ से छुट्टी लेके और अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में उनका 10 दिन से इलाज चल रहा था, कल इनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वही झालावाड़ में कांग्रेस ने मिनी सचिवालय के बाहर राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया है, और रवनीत बिट्टू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी नेता कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने झालावाड़ में प्रदर्शन किया है। हम
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बीजेपी के जो मंत्री हैं और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। क्या खास क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने हमारे नेता को आतंकवादी कहा। जो नेता ताउम्र, जिस नेता का परिवार ताउम्र आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा रहा, जो आतंकवाद से स्वयं ग्रसित रहा और अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस आतंकवाद का मुकाबला करता रहा, अगर उसी व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये आमजन के लिए भी पीड़ादायक बात है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस इस बात से बहुत दुखी है, व्यथित है और इसका वही डिडवाना। भारत की राजनीति में एक और नया बवाल सामने आया है। इस बवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने डिडवाना थाने पहुंचकर डिडवाना थाना अधिकारी नंदलाल रिनावा को राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक रिपोर्ट दी है। राहुल गांधी पूर्व में भी भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अन्य जातियों से तुलना करके मानहानि के शब्द इस्तेमाल करते नजर आए थे। आरक्षण के प्रावधान को एक विदेशी धरती पर समाप्त करने की बात कहते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान से हर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। बुद्धाराम जी के नेतृत्व में यहाँ पे लोगों ने एक परिवाद दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेके बयान वगैरह दिया, उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन पेश किया, हम उसकी जांच करवाते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, इनसे हमने वीडियो क्लिप भी मांगी और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जो भारतवर्ष के बारे में अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है, इस देश को दुनिया में बदनाम करने का जो साजिश की है उसके खिलाफ़ और आरक्षण के बारे में उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की जो बात कही है, बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको समाप्त करने की जो बात राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर कही है उसके विरोध में SC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज ये पुलिस थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई है। समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, इनके परिवार द्वारा और इनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग, इनकी मां ने मौत का सौदा कर अभी विधानसभा में लोकसभा में इन्होंने सारे हिंदू समाज को हिंसक कह करके सारे देश का अपमान किया है। ऐसे ही मोदी जी के बारे में जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में विदेश में जाकर ये कहना इस देश का अपमान है और आरक्षण के बारे में बोलना संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है, इसके विरुद्ध हमने आज ये FIR दर्ज करवाई। वहीं अजमेर में अमेरिकी महिला से होटलों में रखकर रेप करने और नसीराबाद में एक मंदिर में खुद को अविवाहित बताकर झूठा विवाह रचाने वाले आरोपी वकील मानव सिंह राठौर को गुरुवार को पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड कर लिया है। जांच अधिकारी नेमीचंद ने बताया है कि पीड़िता के लगाए गए आरोपों की बिंदुवार जांच के लिए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इन बिंदुओं में पैसों का लेन देन, व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग, वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन, वारदात में सहयोगी आदि को लेकर अनुसंधान किए जा रहे हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किए जाएंगे। वही डिडवाना में जाट छात्रावास की भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने और मस्जिद की जगह पर सरकारी बोर्ड लगाने के विवाद को लेकर नगर परिषद की तरफ से साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और जाट समाज के छात्रावास की भूमि पर सरकारी संपत्ति होने के बोर्ड लगाने वाले मामलों पर जमकर बवाल मचाया। इस बवाल को लेकर कोर्ट गेट के पास में बनी मस्जिद की भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने पर भी जमकर बवाल हुआ। वहीं पार्षदों ने नगर परिषद आयोग कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जाट छात्रावास की जमीन पर लगा सरकारी बोर्ड, बैठकों में पार्षद ने जमकर हंगामा किया है। आगे। 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 आगे।
अभी जो है रजिस्टर देख के मैं बता पाऊंगा कितने पे विरोध हुआ है और कितने पे ये है, और जो भी माननीय बोर्ड में जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं या जो उन्होंने कहा है उसी के अनुरूप ही नगर परिषद कार्य करेगी। बारा शहर में मंडोला में सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। राख के टैंकर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। दोनों लोग अपने मोटरसाइकिल से बारा कृषि उपज मंडी जा रहे थे। इसी दौरान NH 27 के पास मंडोला छपर में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार दंपति सड़क पर ही गिर गए, जिससे राख भरा टैंकर कुचलता आगे निकल गया। इस हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। हाँ, एक दुखद घटना हुई दुर्घटना की, और इसमें जो है एक राम कल्याण जी मीना और उनकी पत्नी कल्याणी बाई नरसिंहपुरा की झोपड़ी से अपने कोई कृषि जींस की बिक्री के लिए बारा आ रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल पे जो है उससे टैंकर से एक टक्कर लगी और दोनों की जो है वो अकाल मृत्यु। टैंकर और उसके गैर जिम्मेदार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है, अग्रिम कार्रवाई विधिवत कर रहे हैं। वहीं बाड़ी के चेतन नगर में जरा से भी अनबन को लेकर पति पत्नी जहर खा लिया है। वहीं परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया है कि जहरीले पदार्थ का पति पत्नी ने सेवन किया था, जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। साथ में घटना को लेकर कोतवाली पुलिस को जानकारी भी दी गई है। चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों से हुई वार्तानुसार सूचना मिली है कि एक महिला पुरुष नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाकर आए थे, और इनको प्राथमिक उपचार के बाद में जिला स्तर के अस्पताल के लिए। वही डिडवाना जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद दसावा ने जनसुनवाई में लोगों की समस्या भी सुनी। जनसुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। राजस्थान समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते आगे, नगर पालिका क्षेत्र के बयाना गेट वेयर के मोक्ष धाम में करीब एक सप्ताह से बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसके निकासी की सुविधा नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब एक वृद्ध महिला की मौत हो गई तो उसका अंतिम संस्कार करने जाने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए बयाना गेट के मोक्ष धाम में लेकर गए, जहां मोक्ष धाम में भरे हुए पानी को देखकर लोगों को प्रशासन की बेबसी भी नजर आई। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन को कोसने में भी कमी नहीं रखी गई। मोक्ष धाम में करीब 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जल भराव से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के गांव छतरपुर में शुक्रवार की शाम एक युवक ने शराब के नशे में मारपीट कर विकलांग छोटे भाई की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर मृतक के शव का गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे पहले ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। अचानक पुलिस टीम को देख आरोपी और अन्य परिजन युवक के शव को शमशान स्थल पर छोड़कर ही फरार हो गए। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया है, लेकिन आरोपी मौके से भागने में सफल हुआ। बाद में एडिशनल SP राम कल्याण मीणा और CO पूनम भरगर ने भी मौके पर पहुंचे और नंदबई बड़े भाई ने की विकलांग भाई की हत्या। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है।
आज करीब 7:30 बजे हमारे थाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि कटारा ग्राम पंचायत में छतरपुर गांव है, वहां पर दो भाई हैं, उन्होंने आपसी शराब पी के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई का कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया और डेड बॉडी को जलाने के लिए अस्पताल शमशान घाट लेके जा रहे हैं। ये इतला आई थी, इस इतला पर पुलिस मौके पर पहुँचती है और वहाँ डेड बॉडी बरामद करती है। आगे जो भी कार्रवाई है वो जा रही है। वही राजस्थान के राजसमंद जिले राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। उदयपुर की ओर जा रही एक कार सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कामली घाट चौकी कांस्टेबल महेश मोहित चौधरी और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकाला। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत करवाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग की है। तो अनियंत्रित होकर ये कार पलट गई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल भेजकर उनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही ग्रामीणों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी चाकसू कस्बे में पहुंचे हैं। कलेक्टर ने चाकसू की पंचायत समिति सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की है। कलेक्टर ने आमजन से रूबरू होकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर को पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क अतिक्रमण समेत कई समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की परिवेदना सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान परिवेदना लेकर पहुंची महिला जिला कलेक्टर के सामने फफक फफक के रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जिला कलेक्टर ने CHC में निरीक्षण कर आवश्यक कार्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर लेबर रूम, टीकाकरण सुविधाएं, निशुल्क दवा वितरण केंद्र, OPD और परिसर में साफ सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संचालित निःशुल्क जाँच और दवा योजना का लाभ आमजन को मिले, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। जिला कलेक्टर ने उपस्थित मरीजों से संवाद कर योजनाओं में मिल रही है उनको लाभ या नहीं, इसकी जानकारी भी प्राप्त की है। जिला कलेक्टर ने CHC का निरीक्षण किया है और लोगों से, खासतौर पर मरीजों से उनका हालचाल भी जाना और सुविधाओं को लेकर उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है जो भी CHC में ही है, उसका निरीक्षण किया है, मरीजों से बात की है, दवाइयों की उपलब्धता है उसको देखा है, बिल्डिंग्स की कंडीशन को भी देखा है, सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे मशीन है, उनके संदर्भ में भी मरीजों से भी बात की है और मशीनों को देखा है। क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, जगह भी कंजस्टेड है, तो कुछ समस्याएँ है हॉस्पिटल की, बट जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार सेवाएँ दी जा रही है और मरीजों ने भी किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं की है। प्रभारी के अनुसार दवाओं का पूरा स्टॉक है, 37 प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन से वो हो रही है, सोनोग्राफी और एक्सरे भी हो रहे हैं। वही एक महीने से टोल नाके पर चल रहे धरने काले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने ट्रक और अन्य वाहन कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े करके रास्ता जाम कर दिया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। वही किसानों के धरने को देखते हुए कई थानों से पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो एक महीने से किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस बल लगातार कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं।
911 इससे संबंधित है कि जैसे बोमपुरा में 60 किलोमीटर टोल का है वो 45 रुपए लिया जा रहा है और हमारे जहाँ लगभग आने जाने का 215 रुपए के आसपास लिया जा रहा है कि जो 5 किलोमीटर सड़क हम यूज करें उसका भी 163 किलोमीटर का टोल दिया जा रहा है जो नाजायज है मेरे हिसाब से। उसको लेके ही धरना प्रदर्शन है, पहले भी दो बार वार्ता हो चुकी है इसमें। 15 दिन बाद जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था वो भी आया था पीडी, 15 दिन बाद उसने कहा था कि मैं समस्या का समाधान करूंगा लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आज सभी जितने भी व्यापार मंडल है, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, पिकअप यूनियन है, सभी संगठनों ने आज इस चीज को समर्थन दिया। कलेक्टर साहब का घेराव है इसको लेके आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। वही राजस्थान के डिडवाना में पटवार संघ के बैनर तले पटवारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से पटवारी एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। वही पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक पटवारी धरने पर बैठे रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर पटवारी शशि बलारा ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने जो राज खसरा गिरदावरी ऐप बनाया है जिसमें खसरे पर लोकेशन पर जाकर ही गिरदावरी करनी है, जिससे एक ऐप लोकेशन पर जाने के बाद ही ओपन होता है और 50 मीटर तक ही इसकी परिधि होती है जिसकी वजह से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों क्षेत्रों में मोबाइल टावर की समस्या भी आ जाती है, कई बार ऐप काम नहीं करता और कई बार फोटो अपलोड नहीं होती, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और राजस्थान पटवारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ये लोग अपनी मांग को भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख मांग तो जो राजस्थान सरकार ने राज खसरा गिरदावरी ऐप बनाया है उसमें पर खसरे पर लोकेशन पर जाकर ही गिरदावरी करनी है और उसमें सिर्फ 50 मीटर तक ही हमारी है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते कम से कम 350 मीटर और लोकेशन पर वहाँ जाने पर ही वो खसरा ओपन होता है। उसमें कई बार तो त्रुटि आती है, कई बार फोटो अपलोड नहीं लेते हैं और लगभग हर जगह हर गाँव में नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क प्रॉपर रहता नहीं है, नेटवर्क कहीं जगह नेटवर्क रहता है तो कभी ऐप वर्क नहीं करता है, तो हम उसमें सुधार चाहते हैं। वही डींग के जिला कलेक्टर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें लोग अपने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के सामने पहुंचे और अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा। वहीं जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिले के मुद्दों पर चर्चा की, इसमें 59 मामलों पर सुनवाई की गई। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आए मामलों का गंभीरतापूर्वक निवारण किया जाए, जनता के हित में सभी अधिकारी कार्य करते हुए नजर आए। तो कलेक्ट्रेट सभा में ये जन सुनवाई आयोजित की गई थी। तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई थी जिसमें अभी तक 59 प्रकरण प्राप्त हो गए हैं, जिसमें कई प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया है और इसकी समीक्षा सीएस सर ने भी राज्य स्तर से की है। इसके अलावा जिला स्तरीय समिति की जो बैठक होती है सतर्कता समिति, उसकी भी बैठक हमने की है, उसमें कुछ प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, कुछ आज नए कुछ प्रकरण भी हमने दर्ज किए हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशीलता के साथ में आमजन की जो जन समस्या है उसका निस्तारण करें और तत्काल करें। जो समस्या का निस्तारण हाथों हो सकता है या जल्दी हो सकता है उसको कोशिश करें कि सेम डे में या नेक्स्ट डे उसका निस्तारण हो जाए। इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।